गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रश्मि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। इसके पहले हमने पहले की चार वीडियो में हमने ऑक्सीन से संबंधित ऑक्सीन ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस, ऑक्सीन का नेचर, ऑक्सीन का केमिकल नेचर एंड ऑक्सीन से संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा किए गए थे उसको हमने देखा था। एंड आज हम अपने फिफ्थ लेक्चर में ऑक्सीन से संबंधित पांचवे लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीन बायोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द टिश्यू ऑफ प्लांट वेयर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस। द ऑक्सीन सिंथेसिस ऑकर्ड रैपिडली इन ग्रीन लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देन इन डार्क। इन हायर प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी बीटा एंडोलैसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस would be amino acid tryptophan। ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस प्लांट्स के रैपिडली प्लांट्स में रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी होता है एंड ये ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, लाइट एंड डार्क दोनों में ही पाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर यह देखा गया कि किसकी स्टडी कर देखा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर यह देखा गया कि बीटा एंडोलैसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस, ठीक है, बीटा एंडोलैसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस जो है वो एक अमाइनो एसिड से होता है। ठीक है, बीटा एंडोलैसिटिक एसिड का जो बायोसिंथेसिस होता है वो किससे होता है, एक अमाइनो एसिड से होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। बीटा एंडोलैसिटिक एसिड का बायोसिंथेसिस जो एक ऑक्सीन है, ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीन की मात्रा, ऑक्सीन की जो क्वांटिटी है जब बहुत ज़्यादा होती है प्लांट में, ठीक है, कब, जब प्लांट में ऑक्सीन की जब मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट्स में तब इलॉन्गेशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है या इस इलॉन्गेशन जो है वो कम हो जाता है। तब जो प्लांट्स होते हैं वो लंबाई में क्या हो जाते हैं, लंबाई, तब प्लांट्स की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, प्लांट्स की लंबाई क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन मेन वाले ब्रांचेस की जो लंबाई है वो रुक जाती है, बट जो लैटरल ब्रांचेस होती है, ठीक है, लैटरल ब्रांचेस जैसे अपाइकल ब्रांचेस में ऑक्सीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो अपाइकल ब्रांचेस का बढ़ना कम हो जाएगा। समझ में आया, जो मेन ब्रांचेस है उसमें ऑक्सीन की मात्रा यदि ज़्यादा होगी, ठीक है, मेन ब्रांचेस जो है अपाइकल ब्रांचेस उसमें ऑक्सीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो अपाइकल ब्रांच जो है, ठीक है, उसका बढ़ना कम हो जाएगा। उस समय जो आसपास की ब्रांचेस हुई होती है, उस समय अब प्लांट की जो आसपास की ब्रांचेस होती है जिसको हम लैटरल ब्रांचेस कहते हैं या बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल ब्रांचेस बोलते हैं, वो बढ़ना क्या कर देते हैं, वो बढ़ना चालू कर देते हैं। मीन्स उसका मेन स्टेम नहीं बढ़ के क्या हो जाता है, आसपास की जो लैटरल ब्रांचेस होती है उसमें वो बढ़ना चालू कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं। जो ऑक्सीन है, ठीक है, ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस देखते हैं सबसे पहले, तो इस पे ट्राइफेन से एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, ट्राइफेन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, CO2 यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, तो बचेगा क्या, CH2, ठीक है,
तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है ट्राइफेन से, तो ये क्या बन जाता है, ट्रिप्टामाइन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ट्रिप्टामाइन बन जाता है। एंड जब ये ट्रिप्टामाइन जो है क्या चीज़, ये जो ट्रिप्टामाइन है इसमें जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब इसमें जुड़ जाता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है बीटा इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बन जाता है, बीटा इंडोल एसिटिक एसिड बन जाता है। एंड इसमें से जो अमोनिया होता है, ठीक है, किसमें से, ट्रिप्टामाइन से अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाता है, तो बीटा इंडोल एसिटिक एसिड जो है, एसिटाल्डिहाइड एसिड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जो आगे चल के क्या बना लेता है, जो आगे चल के बना लेता है बीटा इंडोल एसिटिक एसिड। क्या बना लेता है, बीटा इंडोल एसिटिक एसिड बना लेता है। नेक्स्ट है इसमें, देखिए ये है ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस। ठीक है, कहाँ से, ट्रिप्टोफैन से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट में क्या बना लेता है, बीटा इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ये ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस हुआ। प्लस इसके साथ ही साथ एक इसकी दो अदर प्रोसेस भी है, जिससे क्या होता है, ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, बीटा इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। तो आइए स्टूडेंट्स वो देखते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है, ट्राइफेन जो होता है, ट्राइफेन से क्या होता है, अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाता है, NH3 जो है इसमें से, NH2 दिखाई पड़ रहा है, इसमें से एक हाइड्रोजन जो होता है वो इसमें से जुड़ के क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक अमोनिया इसमें से क्या हो जाता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है, तो ट्रिप्टोफैन जो है अमोनिया इसमें से बाहर निकल जाता है एंड बना लेता है बीटा इंडोल पाइरूविक एसिड। क्या बना लेता है, बीटा इंडोल पाइरूविक एसिड बना लेता है। देन ये बीटा इंडोल पाइरूविक एसिड जो है, इसमें से अब क्या निकल जाएगा, इसमें से अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO2 जो है इसमें से CO2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH2COH। ठीक है, क्या बचेगा, COH, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो बचा क्या, ये CO2CHO बना। ठीक है, अब इसे ही क्या कहते हैं, बीटा इंडोल एसिटल्डिहाइड एसिड कहा जाता है। अब बीटा इंडोल एसिटल्डिहाइड से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है इसमें क्या होता है, आके जुड़ जाता है। जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है बीटा इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये जो इसका बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन है, ये बहुत ही शॉर्ट में है। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो ट्रिप्टोफैन है, ट्राइफेन है या फिर ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफेन या फिर ट्राइफेन जो है, इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, CH2CH2NH2। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं, CH2CH2NH2 को ट्रिप्टामाइन कहा जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। देन इसके बाद में अब ट्रिप्टामाइन जो है, ठीक है, ट्रिप्टामाइन में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आके जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ जाता है, प्लस यहाँ से क्या होता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है। अमोनिया के बाहर निकलने से ट्रिप्टामाइन जो है वो बीटा इंडोल एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। एंड बीटा इंडोल एसिटाल्डिहाइड में जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ये बीटा इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन की एक सेकेंड विधि भी है, जिसके थ्रू ट्राइफेन से क्या होता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है। एंड अमोनिया जब बाहर इसमें से निकल जाता है, तो ट्राइफेन जो है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है बीटा इंडोल पाइरूविक एसिड में। एंड बीटा इंडोल पाइरूविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। एंड बीटा इंडोल पाइरूविक एसिड जो है, बीटा इंडोल एसिटल्डिहाइड में एसिड में चेंज हो जाता है। एंड बीटा इंडोल एसिटल्डिहाइड में जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो बीटा इंडोल एसिटल्डिहाइड जो है वो बीटा इंडोल एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तब
तब तक के लिए थैंक यू।